हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम अड्डा 3.0 पर आप सभी का स्वागत है। 2020 का आईपीएल समाप्त हो चुका है, तो हम फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको आईपीएल से जुड़े सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। यह आईपीएल का 13वां संस्करण था। आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला गया। इसके प्रशासक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, यानी बीसीसीआई है, जिसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। यह 39वें अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्रिकेट का प्रारूप T20 होगा। इसे संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। इसमें 8 टीम भाग लिए थे और मैच 60 खेले गए। इसमें टीम इस प्रकार है: कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, किंग इलेवन पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। फ्रेंड्स, ये मैच 29 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और ये भारत में न खेलकर भारत के बाहर संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। इसको बाद में 29 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेलने जाने की घोषणा की गई। चलिए यह आईपीएल टीम में जो कैप्टन्स है उसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा है। चेन्नई सुपर किंग्स से कैप्टन MS धोनी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन योन मॉर्गन है। सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन डेविड वार्नर है। राजस्थान रॉयल के कैप्टन स्टीवन स्मिथ है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कैप्टन विराट कोहली हैं। दिल्ली कैपिटल के सुरेश अय्यर है। किंग इलेवन पंजाब के KL राहुल है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज 2020 के 13वें संस्करण में जितने अवार्ड मिले हैं उस अवार्ड के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मैन ऑफ द मैच अवार्ड ट्रेंट बोल्ट को दिया गया, तथा कि मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल 2020 के फाइनल में 4 ओवर में गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए। पहली गेंद पर उन्होंने मार्क स्टोन्स को आउट करने के बाद दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे को आउट किया। इसके दम पर वे मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत गए। तथा आईपीएल में एक युवा भारतीय खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब दिया जाता है, जिसने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया हो। इस अवार्ड को आरसीबी के ओपनर देवदत्त पंडिकल ने अपने नाम किया, जिन्होंने 15 मैचों में 473 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल है। आईपीएल के हर सीजन के बाद एक टीम के प्लेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। इस बार मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता। यह अवार्ड उस टीम को मिलता है जिसने टूर्नामेंट में खेल भावना को बनाए रखा। इसमें टीम के हर खिलाड़ी की हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। अब गेम चेंजर ऑफ द सीजन KL राहुल को मिला। टूर्नामेंट में एक अवार्ड का नाम गेम चेंजर ऑफ द सीजन है। इस अवार्ड को उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा बार टूर्नामेंट में अपनी पारी में या गेंदबाजी मैच को पलटा हो। इस बार KL राहुल को यह अवार्ड मिला। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में किया। अब सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किरण पोलार्ड को मिला। आईपीएल में सबसे तेज गति से रन बनाने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड।
इस बार किरण पोलार्ड ने इस खिताब को अपने नाम किया। इन्होंने 191.42 के स्ट्राइक रेट से इस सीजन में 12 पारियों में 268 रन बनाए। अगर द मोस्ट सक्सेस इन द सीजन ईशान किशन को दिया गया। टूर्नामेंट में आखिरी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को भी एक सम्मान दिया जाता है। वह सम्मान मोस्ट सक्सेस इन द सीजन है। इस अवार्ड का नाम मोस्ट सक्सेस इन द सीजन अवार्ड है। इस बार ईशान किशन को इस सम्मान से नवाजा गया, जिन्होंने 30 छक्के आईपीएल 2020 में जड़ दिए। अब आता है कि पावर प्लेयर ऑफ द सीजन ट्रेंट बोल्ट को दिया गया था। इस बार आईपीएल की अवार्ड लिस्ट में एक नाम पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का है। ये अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पावर प्ले में या तो रन बनाए या फिर विकेट चटकाए। ऐसे में ये अवार्ड ट्रेंट बोल्ट को मिला, जिन्होंने 5 मैचों में शानदार गेंदबाजी की। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड पर्पल कैप प्लेयर ऑफ द सीजन कगिसो रवाडा को मिला। आईपीएल के हर सीजन के बाद एक खिलाड़ी को पर्पल कैप मिलता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हो। इस बार मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज किंगसो रवाडा ने 30 विकेट चटकाए। दो बार उन्होंने टूर्नामेंट में 4-4 विकेट भी अपने नाम किए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि क्वेश्चन पूछता है कि पर्पल कैप किस खिलाड़ी को और किसके लिए मिलता है, तो यह ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कहता कि ऑरेंज कैप प्लेयर ऑफ द सीजन केएल राहुल को मिला। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर ले, क्योंकि आने वाले NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या किसी भी अदर एग्जाम में कंपटीशन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलो फ्रेंड्स कहता कि टूर्नामेंट के फाइनल मैच के बाद जो बल्लेबाज सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कप अवार्ड से नवाजा जाता है। इस बार इस पर कब्जा केएल राहुल ने जमाया, जिन्होंने 14 मैचों में 1 शतक 5 अर्धशतक के साथ 670 रन बनाए। अब आता है अगला अवार्ड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जुफ्रा आचर को मिला। अब क्यों मिला इसे देखिए। आईपीएल में मैच ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड तो नहीं, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड का मिला है जिसने टूर्नामेंट में गेंद से बल्ले और फील्डिंग से अच्छा काम किया हो। इस बार जुफ्रा आचर को ये सम्मान मिला, जिन्होंने 20 विकेट लेने के साथ 5 कैच पकड़े और 10 छक्के लगाए। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है और आपको इसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। अगला अवार्ड रन अप टीम ऑफ द सीजन दिल्ली कैपिटल को मिला। आईपीएल में क्या किसी भी टूर्नामेंट में एक नज़र आप टीम होती है जो फाइनल मुकाबला हारती है। इस बार दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल की रनर अप यानी उप विजेता रही है। बावजूद इसके BCCI की ओर से दिल्ली की टीम को इस बार 12 करोड़ नहीं देकर 6.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा, क्योंकि आईपीएल में जो जितने ही पहले पैसे दिए जाते थे उसका आधा पैसा देने की घोषणा BCCI ने की है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है BCCI की तरफ से। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला बैनर टीम ऑफ द सीजन मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2020 की ट्रॉफी अपने नाम करने वाले मुंबई इंडियंस को एक चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपये चेक भी प्रदान किया गया, लेकिन ये 20 करोड़ रुपये नहीं दिया, आधा पैसा यानी 10 करोड़ रुपये इसको दिया गया है। मुंबई इंडियंस की 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया। इस तरह मुंबई इंडियंस सबसे अधिक बार मैच जीतने वाली आईपीएल टीम भी बन गई है। तो फ्रेंड्स आपको हम अगले पेज में इस जितने भी 2008 से 2020 तक जो खिताब हुए हैं उसमें कौन उप विजेता कौन विजेता रहा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, और एक वन लाइनर जीके भी आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 2008 तक के
सारे जो विनर है, रनअप है और ये कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 2020 के आईपीएल मुंबई इंडियंस ने जीता है, रनअप दिल्ली कैपिटल्स, और यह दुबई में हुआ। रनअप माने जो उपविजेता हैं वो 2019 मुंबई इंडियंस और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स या हैदराबाद में खेला गया। 2018 चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद उपविजेता और यह मुंबई में खेला गया। 2017 मुंबई इंडियंस राइजिंग पुणे या हैदराबाद में खेला गया। 2016 सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उपविजेता रहा या बेंगलोर में खेला गया। 2015 में मुंबई इंडियंस विजेता रहा और चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता रहा और यह कोलकाता में खेला गया। 2014 कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता रहा और किंग इलेवन पंजाब उपविजेता रहा या बेंगलोर में खेला गया। 2013 मुंबई इंडियंस विजेता चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता और यह कोलकाता में खेला गया। 2012 कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता रहा और चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता रहा और यह चेन्नई में खेला गया। 2011 चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उपविजेता रहा और यह चेन्नई में खेला गया। 2010 चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस या मुंबई में खेला गया। 2009 का जो विजेता है डेक्कन चार्जर्स है और यह उपविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या जोहानसन बुर्ग में खेला गया था। और आठवां है राजस्थान रॉयल 2008 में और इसके विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है और यह मुंबई में खेला गया। और आपको हम अभी वन लाइनर दे रहे हैं, इसे आप ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि आईपीएल 2020 कहाँ खेला गया, तो यूएई में खेला गया। आईपीएल 2020 की प्रायोजित कंपनी कौन है, तो ड्रीम इलेवन। ये क्वेश्चन सब आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। चलिए फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला किसके किसके बीच हुआ, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। आईपीएल 2020 का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन हुआ, तो डिज्नी हॉट स्टार। और आईपीएल 2020 में पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन हुए, तो अली खान। और आईपीएल 2020 का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल स्टार स्पोर्ट्स है। आईपीएल 2020 का अंपायर पार्टनर पेटीएम है। 2020 का आधिकारिक पार्टनर अन अकेडमी है, जो आपको जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो एजुकेशन के लेकर तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिस पर बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं। इस पर सर्वाधिक बार जो खिताब जीता है वो मुंबई इंडियंस हैं। वो खिताब कब कब जीता, तो 5 बार है, 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। चलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी के कंटेंट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।